वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन ऑन हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट ऑन टेक फ्राइडेज यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में यहाँ तक अपना कार्यक्रम कंप्लीट हुआ था। हमने एक व्यू बनाया, एक टेबल व्यू, जिसके अंदर हमने सिर्फ एक रो लेके रखे और उस रो को हम रिपीटेडली प्रिंट करेंगे जितनी बार हमें डेटा मिलेगा। सो द डेटा इज, दिस इज आर डेटा जो हमारे कंसोल लॉग के ऊपर प्रिंट हो रहा है। देर आर थ्री एक्सपेंसेस इन आर MySQL टेबल एसोसिएटेड विद द यूजर, जिस यूजर से हमने अभी लॉग इन किया है, उस यूजर के तीन एक्सपेंसेस हमारे डेटाबेस में, और वो तीनों यहाँ पे XHR XML HTTP रिक्वेस्ट भेज के हम ला रहे हैं। ये दो चीज़ें हो गई है। अभी सवाल यह है कि हाउ वी कैन बाइंड दिस डेटा इनसाइड दिस टेबल, और ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली जितनी रोज, मतलब जितने यहाँ पे नंबर ऑफ क्या एक्सपेंसेस का डेटा हमें मिल रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेबल में HTML में उतनी रोज जनरेट होनी चाहिए और हर एक रो में वो डेटा गिरना चाहिए, बाइंड होना चाहिए। नाउ लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने रो बनाई थी, दिस रो जिसका आउटपुट ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे हम कहेंगे एक टेम्पलेट, और इसी टेम्पलेट को हम रिपीटेडली प्रिंट करेंगे। लेकिन उससे पहले जहाँ पे हमें वो डेटा मिल रहा है वो ये जगह रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अप्लाई अ डॉलर डॉट ईच लूप। डॉलर डॉट ईच लूप हम क्यों इस्तेमाल करते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर उसको इटरेट करने के लिए? रेस वेरिएबल के अंदर हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, तो रेस वेरिएबल आएगा पहला पैरामीटर, और दूसरा पैरामीटर आएगा एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन लेगा एक की और एक वैल्यू, और फिलहाल मैं सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करता हूं। नाउ रिमेंबर, ईच लूप क्या करता है, इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जितने इमीडिएट चाइल्ड हो, सो और डेटा स्ट्रक्चर इज दिस, और वो डेटा स्ट्रक्चर है एक एरे और उसके इमीडिएट चाइल्ड है तीन, जीरो इंडेक्स उसकी वैल्यू, वन इंडेक्स उसकी वैल्यू, और टू इंडेक्स उसकी वैल्यू, उतनी बार ये लूप इटरेट होगा, मतलब यस एग्जैक्टली तीन बार ये लूप इटरेट होगा। एंड एट ईच इटरेशन वो की वेरिएबल में उसकी की, जो कि इस केस में जीरो है, और वैल्यू वेरिएबल में उसकी वैल्यू, जो ये पूरा जेसन डॉक्यूमेंट एज अ वैल्यू स्टोर कर देगा। नाउ लेट्स सी, आई एम जस्ट क्विकली रिफ्रेशिंग द पेज। यहाँ पे 012 प्रिंट हो चुका है, और अगर मैं इस की वेरिएबल को अगर वैल वेरिएबल के साथ अगर मैं रिप्लेस कर दूँ, तो मुझे यहाँ पे वो तीन जेसन डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। पहला जेसन डॉक्यूमेंट जिसमें बर्गर किंग वाला एक्सपेंस का डिटेल्स है, दूसरे में बिरयानी गुरु, और तीसरे में KFC से रिलेटेड एक्सपेंस मौजूद है। अभी यहाँ पे ये जो डेटा हमें मिल रहा है उसमें से एग्जैक्टली ये जो किधर गया पेई है वो यहाँ पे बाइंड होना चाहिए, एग्जैक्टली अमाउंट किधर गया अमाउंट है वो यहाँ पे बाइंड होना चाहिए, और इंडेक्स में पहले कॉलम में एग्जैक्टली UID नहीं EXP टाइप ID बाइंड होना चाहिए। इस तरीके से हमें ये चीज़ करनी है। नाउ लेट्स सी हाउ टू डू दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ईच लूप जितनी बार घूमेगा ऑफकोर्स उतनी बार ये जो टेम्पलेट है हमारी, जिस टेम्पलेट से ये HTML व्यू बन रहा है, ये छोटा सा एक रो बन रहा है, वो ये टेम्पलेट, उतनी बार ये टेम्पलेट भी उतनी बार इटरेट होनी चाहिए, उतनी बार ये टेम्पलेट भी वहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए। तो ये टेम्पलेट या फिर ये HTML ब्लॉक में यहाँ से हटाता हूँ और मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अभी चूंकि ये HTML है और हम उसे पेस्ट कर रहे हैं एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर, जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, सो दिस इज नॉट अलाउड। सो ऑफकोर्स ये जो HTML के जो टैग्स है ना, वो मैं एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करूंगा, एज अ स्ट्रिंग में इसके वेस वेरी इसके अंदर लेता हूँ। सो डबल कोट्स ऑफकोर्स डबल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग लेते हैं, सो सभी HTML टैग्स को हम डबल कोट से बाउंड करते हैं, और ऑफकोर्स एंडिंग में भी हम उसके डबल कोट्स डालेंगे। नाउ रिमेंबर, यू कैन नॉट टेक डबल कोट्स इनसाइड डबल कोट्स, तो अंदर का ये जो क्लास के डबल कोट्स है इसे मैं कर देता हूं सिंगल कोट्स। ये बन गई हमारी टेम्पलेट। अभी इस स्ट्रिंग को या फिर इस ये मल्टीपल स्ट्रिंग्स होगी, इस सभी स्ट्रिंग्स की मिला के हमें एक स्ट्रिंग बनानी है, मतलब एक पूरा HTML का रो का जो HTML है, एक रो जनरेट करने के लिए जो HTML है वो ये पूरा कंटेंट, और इसी को हमें बार बार इटरेट करना है, इसलिए हमने इसे ईच लूप के अंदर लिया है। अभी मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ बिफोर दिस ईच लूप, उसे मैं नाम देता हूँ वैर, फॉर एग्जाम्पल टेबल डेटा इज इक्वल टू, उसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ ब्लैंक, देर इज नथिंग इनसाइड इट, और इस टेबल डेटा वेरिएबल के अंदर मुझे ये सारी स्ट्रिंग्स मुझे डालनी है। सो अभी कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर तो आप सभी को मालूम है कि मुझे अगर एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट करना हो तो मैं प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूँ। ओके, सो सिमिलरली TD वेरिएबल के अंदर मुझे क्या डालना है, TD वेरिएबल के अंदर पहले से जो मौजूद है वो प्लस दूसरा पार्ट, सो TD इज इक्वल टू TD प्लस,
मतलब ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो टी डी वेरिएबल, चूंकि जो ब्लैंक है उसके अंदर पहले ये पार्ट जाएगा, उसके बाद टी डी वेरिएबल के अंदर पहले से ये पार्ट मौजूद है, तो इस पार्ट के साथ ये पार्ट कॉन्कैटिनेट होगा और फिर टी डी वेरिएबल के अंदर लाइन नंबर 79 के ऊपर टी आर और टी डी ओपन टी डी क्लोज ये दो पार्ट होंगे। इसी तरीके से आगे ये चलता जाएगा। लेकिन ये जो सिंटैक्स है ना, टी डी इज इक्वल टू टी डी प्लस वट एवर द स्ट्रिंग, उसके लिए एक आसान सिंटैक्स हमारे पास अवेलेबल है, वो ये कि टी डी प्लस इक्वल टू, इसी का मतलब टी डी इज इक्वल टू टी डी प्लस द स्ट्रिंग, वट एवर द स्ट्रिंग। सो लेट्स रिप्लेस एवरीवेयर टी डी प्लस इक्वल टू। इसका आउटपुट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले तो सभी सभी जगह सेमी कोलन दे देते हैं, अब ये पार्ट में कॉपी करके सब जगह पेस्ट करता हूँ। ओके, सो बिफोर बाइंडिंग एनी डेटा लेट्स जस्ट कंसोल लॉग। मैं ईच लूप के बाद कंसोल लॉग करता हूँ इस टी डी वेरिएबल को। ओके एंड लेट्स सी, ये कंसोल लॉग हो गया। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे टी आर स्टार्ट हो रहा है, टी डी के एफ सी 300, ये सारा बटन वाला पोर्शन, और ये टी आर क्लोज। तो ये जो सिलेक्टेड पार्ट है ये होगी हमारी एक टेबल रो। दूसरा जो ये देखो वापस टी आर एक चालू हो गया और ख़त्म कहाँ पे हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये दूसरी रो, और ये हो गई हमारी तीसरी रो। मतलब हमें तीन रोज मिल रही है अभी, क्योंकि एग्जैक्टली हमारा ईच लूप तीन बार इटरेट हुआ है, क्योंकि उसके अंदर जो हमने डेटा स्ट्रक्चर मेंशन किया है उसमें तीन इंडेक्सेस है, 0, 1 एंड 2। अभी चूंकि हम ये सारा जो एचटीएमएल स्ट्रक्चर है वो कंसोल लॉग कर रहे हैं, तो हमें वो ऑफकोर्स कंसोल लॉग नहीं करना, हमें किसके अंदर डालना है, इस टेबल बॉडी के अंदर डालना है, तो वो हमें टेबल बॉडी के अंदर दिखाई देगा। सो द सिंटैक्स टू पुट सम एचटीएमएल कंटेंट इनसाइड अनदर एचटीएमएल टैग इज, पहले तो हम इसको इस टेबल बॉडी को एक आईडी देते हैं। आईडी को मैं बोलता हूँ ईएक्स एक्सपेंसेस टेबल, इस तरीके का मैं इसे आईडी देता हूँ, और ये जो आईडी है वो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग की जगह में लिखूंगा डॉलर जेक्वेरी सिलेक्टर, तो हैश एंड आईडी नेम डॉट एचटीएमएल और उसके अंदर ये वेरिएबल, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर पूरा एचटीएमएल स्टोर है, तो ये जिसका आईडी है उसके अंदर ये एचटीएमएल एचटीएमएल हो जाएगा, मतलब एज अ एचटीएमएल उसके अंदर गिरेगा। तो ब्राउजर उसको कंपाइल करके हमें तीन रोज देख, मतलब तीन रोज हमें शो करेगा। अभी अगर मैं डेटाबेस में एक और रो ऐड करूँ, एक और एक्सपेंस ऐड करूँ, तो ऑफकोर्स यहाँ पे चौथी रो मुझे दिखेगी, क्योंकि फिर डेटाबेस से जो वैल्यू यहाँ पे फेच होगी वो चार एक्सपेंसेस का डेटा स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा। अभी यहाँ पे एक दिक्कत ऐसी है कि सब जगह पे ही के एफ सी अमाउंट वगैरह सब सेम ही प्रिंट हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर जो हमने स्टैटिक वैल्यूज ले रखी है 1 KFC and 300, इसको हमें रिप्लेस करना है उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर की वैल्यूज के साथ। नाउ हाउ टू डू दैट, तो यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कंसोल डॉट लॉग, वो मैं वापस लिखता हूँ वैल नॉट वेयर। ओके नाउ लेट्स सी, तो यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू मतलब क्या, वैल्यू वेरिएबल के अंदर की वैल्यू इज अ होल जेसन डॉक्यूमेंट। सो अगर मुझे सिर्फ पेई के मतलब पेई की के साथ एसोसिएटेड वैल्यू अगर प्रिंट करनी हो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सो ऑफकोर्स एज वैल्यू इज दिस होल जेसन डॉक्यूमेंट, सो आई कैन सिंपली राइट वैल्यू डॉट की नेम विच इज पे। तो मुझे कंसोल के ऊपर तीन पे तीनों जेसन डॉक्यूमेंट के अंदर पे की के साथ एसोसिएटेड वैल्यू प्रिंट हो गई, बर्गर किंग, बिरयानी गुरु एंड KFC। अभी यही सेम वैल्यू मुझे कंसोल के ऊपर नहीं प्रिंट करनी, बल्कि मुझे यहाँ पे पेई सेक्शन में यहाँ पे प्रिंट करनी है, मतलब जहाँ पे KFC लिखा है वहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने एज इट इज़ लिखा तो जावास्क्रिप्ट उसे कंसिडर करेगा स्ट्रिंग और वैल पेई एज इट इज़ प्रिंट करके देगा। सो यहाँ पे वापस हम यूज़ करेंगे कॉन्कैटिनेशन, तो ये जो डबल कोट्स है वो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। सो ये बन गई एक स्ट्रिंग अगेन हमारी, ये प्लस एक वेरिएबल मैंने बाइंड किया, मतलब कॉन्कैटिनेट किया अगेन प्लस, और ये दूसरी स्ट्रिंग बन गई। ओके नाउ लेट्स सेव। सो बर्गर किंग, बिरयानी गुरु, KFC, सिमिलरली हम अमाउंट भी बाइंड कर देते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है वो मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नॉट श्योर जेसन डॉक्यूमेंट में अमाउंट ही था क्या, यस अमाउंट 300, 1500 एंड फाइनली ये आईडी जो है वापस कंसोल लॉक करता हूँ यहाँ पे, जस्ट टू चेक व्हाट इज द की ऑफ आईडी। आईडी की है 5, सॉरी आईडी की आईडी ही है। सो यहाँ पे मैं बाइंड करूँगा, ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी।
अभी आपको एक मजा दिखाता हूँ, एडिट और डिलीट का हम देखेंगे आगे, शायद आगे की वीडियो में, कि आई ओपन क्विकली पोस्टमन टूल, जिससे हम इंसर्ट कर रहे थे डेटाबेस के अंदर एक्सपेंसेस, क्योंकि हमारा अभी एड एक्सपेंसेस का जो फॉर्म है वो यहाँ पे रेडी नहीं है, तो फिलहाल हम पोस्टमन टूल ही यूज करेंगे। ये जो ऐड का बटन है वो हम यहाँ पे कहीं पे देंगे, जब तक पोस्टमन ओपन नहीं होता आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एक फ्लोटिंग बटन आएगा, क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा, उसके अंदर एक फॉर्म रहेगा, एक्सपेंस का पे डालो, अमाउंट डालो, सबमिट करो, और सबमिट करने के बाद तुरंत विदाउट रिफ्रेशिंग पेज ये टेबल अपडेट होगा। ये हमारा आगे का चैलेंज होगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिलीट एंड एडिट फंक्शनैलिटी, या फिर देखते हैं वो आगे की वीडियो में कौन सी वीडियो पहली लेने की। सो लेट्स सी फॉर पोस्टमन, यस पोस्टमन इज रेडी। यहाँ पे ऐड एक्सपेंसेस में मैं एक और एक्सपेंस ऐड कर देता हूँ, पे ही KFC की जगह मैं लिखता हूँ, सपोज क्या लिखूँ, मालवन तड़का, अमाउंट 1500, बहुत खर्चा होता है उधर। बाकी एक्सपेंस टाइप आईडी को तो फूड का ही रहेगा, और यूजर की हमारी, ये यूजर की जिसका आईडी 1 है, मतलब मेरी दो सागर महाजन की एक ही कैटेगरी है फूड, उसने अभी तक बहुत आगे की कैटेगरीज भी ऐड नहीं की। 15000 हो गया, इतना भी नहीं खाते कोई, 1500 सेंड। सो एक्सपेंस एडेड, यहाँ पे जैसे ही मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, मालवन तड़का 1500, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अभी जब हम ऐड पे का बटन यहाँ पे देंगे, सॉरी ऐड एक्सपेंस का बटन यहाँ पे देंगे, तब हम क्या करेंगे, एक्सपेंस ऐड करने के बाद विदाउट रिफ्रेशिंग पेज ऑटोमेटिकली ये टेबल कैसे रिफ्रेश होगा, सिर्फ टेबल ही रिफ्रेश होके उसके अंदर सिर्फ डेटा आना चाहिए, पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और इसके आगे की वीडियो में मैं चूज करूंगा कि वेदर टू कंप्लीट फर्स्ट एडिट एंड डिलीट फंक्शनैलिटी, और वेदर टू कंटिन्यू विद द एड एक्सपेंस वाला पार्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।